प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता हमें दो से एक बनाने का रास्ता है। हम लोग जो द्वैत की जिंदगी जीते हैं, हम लोग जो अपने आप को हर एक से अलग समझते हैं, ये जानना कि हम सब एक हैं, यही जिंदगी का मकसद है। भारी रूप चाहे अलग अलग हों, लेकिन असलियत एक ही है। इसी की जानकारी पाने के लिए हम इस मानव चोले में आए हैं। वो इंसान जो समझ जाता है कि हम सब एक हैं, तो फिर उसमें वो एक झलक इंसान को मिलनी शुरू हो जाती है, जिसमें एकता किसके ज़रिए है उसकी जानकारी हो। हम सब आत्मा हैं, हम सब प्रभु के अंश हैं, और उसी प्रभु परमेश्वर में लीन होना ही हम सब की किस्मत में है। हम सब उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष ने समझाते हैं, चले आए हैं। संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, तो उन्होंने कोई नया मज़हब चलाने की कोशिश नहीं की। जो जो लोग उस समय रहते थे, उन सब में एकता हो, यही संत महापुरुष करते चले आए हैं। जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके समय में जो भी जिस जिस इंसान के जो जो फेत था, महापुरुषों ने उन्हें जोड़ने की कोशिश की। वो चाहते थे कि हम अपने आप को इंसानी रूप में जाने, सही रूप में जाने। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि अगर हम सही मायनों में एक सच्चा इंसान बन जाए, तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। तो हर एक महापुरुष चाहता है कि हम एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने, हम द्वैत की ज़िंदगी से दूर हों, हम एकता की ज़िंदगी की ओर बढ़ें, हम अपने अंदर पिता परमेश्वर की जानकारी पाएं, उनकी नज़दीकी पाएं, और फिर देखें कि कैसे उनके साथ मिलन हो। एक वाक्य सत्संगों में सुनने को मिलता था कि एक पतंगों का समूह था। सब पतंगे इकट्ठे होते सत्संग में गए, जैसे हम सब सत्संग में आते हैं, ऐसे पतंगे भी इकट्ठे होकर सत्संग में गए, सच्चाई को सुनने के लिए गए। जब वहाँ पहुँचे तो उनको सत्संग सुन के बड़ा अच्छा लगा, वो सब के सब इकट्ठे हुए। तो उन्होंने ये सोचा कि जो मोमबत्ती है, जहाँ से रोशनी आती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग में बताया गया कि लाइट है, रोशनी हमारे अंदर हो सकती है, हम जागृत हो सकते हैं, हम रोशन हो सकते हैं, हम अंधेरी ज़िंदगी ना जिए, हम असलियत की ओर जाएं। तो सब पतंगों ने सोचा कि हम जानकारी पाएं कि ये मोमबत्ती की जो रोशनी, ये क्या है, और इसको हम कैसे सही तरीके से अनुभव करें। उन्होंने सबने सोचा कि अब इसकी जानकारी कैसे पाएं। उनका अच्छा, एक पतंगे को भेजते हैं ताकि वो देख के आए कि मोमबत्ती क्या है और रोशनी क्या है, उसको समझे, फिर हमें आके बताए। तो उन्होंने एक जो उनको लगा कि अच्छा पतंगा, समझदार है, उसको भेजा। वो पतंगा गया, ढूंढता देखा कि उसको लगा एक बारी के पीछे कहीं पर एक मोमबत्ती जल रही थी। तो बारी में बैठा, मोमबत्ती को देखता रहा। उसे बड़ा अच्छा लगा कि मोमबत्ती को जब उसने देखा, तो देखा सब जगह कुछ ना कुछ दिख रहा था, रोशनी थी, अंधेरा दूर था। तो बड़ा खुश हुआ और वो वापस आ गया। उसने आके
जो उनका समूह था उनको बताया कि ऐसे से मैं गया, मैं बारी तक पहुंचा, वहां से मैंने देखा दूर वहां पे मोमबत्ती जल रही थी, तो उसकी तो रोशनी में बड़ी चीजें सब साफ साफ दिख रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जो उस समूह का सरदार था, चीफ था, उसने कहा यार तुम तो दूर दूर से देख के आ गए, थोड़ा नजदीक से पता करते कि और क्या होता है। ये तो ठीक है अंधेरा दूर हो गया, लेकिन मोमबत्ती के नजदीक पहुंचते तो क्या अनुभव होता। तो उन्होंने सोचा अच्छा किसी और को भेजते हैं, तो उन्होंने दूसरा एक समझदार पतंगा ढूंढा और उसको कहा तुम जाकर ना जरा नजदीकी से देख के आना, बारी से मत आना, पास में जाना, और फिर हमें बताना आके कि ये मोमबत्ती की जो रोशनी है ये क्या करती है, इसको मिलकर क्या तुमने अनुभव किया। दूसरा पतंगा गया, घूमता 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 पहुंच गया वहां पर, बारी से अंदर गया, अंदर गया तो वो मोमबत्ती के नजदीक पहुंचा। जैसे ही नजदीक पहुंचा तो उसको गर्माइश मिली, जैसे उसको गर्माइश मिली, रात का समय था, ठंड का समय था, उसको बहुत अच्छा लगा, वार्म फीलिंग आई, उसको लगा गर्मी आ रही है, सर्दी दूर हो रही है, बड़ा खुश हुआ। थोड़ी देर वहां पे रुका, उसको लगा मैं अपने मित्रों को जाके बताऊं कि मोमबत्ती की नजदीकी से मुझे क्या मिल रहा है। तो वो भागा 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 तेजी से वापस आया, उन्होंने कहा मैं तो बड़ा मोमबत्ती के नजदीक गया, रोशनी तो थी ही लेकिन उसमें गर्माइश बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी वार्म फीलिंग आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे कुछ सर्दी नहीं लगी और बड़ा सुहावना मौसम लगा। तो जो उनका चीफ था, सरदार था, उसको लगा ये भी पूरा नहीं समझ के आया, तो उसने कहा ठीक है तू देख के तो आया पर तू गया नहीं उसके अंदर रोशनी के अंदर, अगर रोशनी के अंदर जाता तो पता लगता कि रैली में वो जो मोमबत्ती की जो रोशनी है उसमें क्या मिलता है हमें, क्योंकि हम सुनते हैं रोशनी में जाना चाहिए, रोशनी से मिलना चाहिए, रोशनी से एकमेक होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये दोनों तो हुआ है, तो पूरा पता नहीं करा के आया, तो सोचा किसी और को, बड़ा उन्होंने रिसर्च की कि ये पतंगा बहुत समझदार है इसको भेजते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ एक और भी भेजो ताकि दो जाएं, एक एक्सपीरियंस करे, दूसरा देखे कि क्या हुआ, ताकि पता लगे कि रोशनी की नजदीकी पाके में मिलता क्या। दोनों पतंगे चले गए, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, पहुंच गए बारी के पास, अंदर गए दोनों के दोनों। तो एक ने कहा कि मैं यहां से वॉच करूंगा, देखूंगा, तू और नजदीक जा, तू जरा देख के क्या होता है जब तू अंदर जाएगा। तो वो जब पास किया उसको गर्मी लगी, गर्माइश मिली, बड़ा खुश हुआ, और अंदर गया और वो जहां रोशनी जल रही थी उसके बीच में पहुंच गया। जैसे उसके बीच में पहुंचा तो उसका शरीर रोशनी से जगमगाना शुरू हो गया, उसके पंखों में भी रोशनी आने शुरू हो गई और आस्ते 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 उसका शरीर, उसके पंख और उसका सारा जो बॉडी का हिस्सा था उसमें जाके जज्ब हो गया। तो जो दूर से पतंगा देख रहा था उसने देखा कि कैसे वो पतंगा एकदम से रोशन हो गया और जागृत हो गया और उसमें इतनी रोशनी दिखने को मिली, तो इस पतंगे को बहुत अच्छा लगा और इसने आके वापस सब पतंगों को बताया कि जब वो पतंगा रोशनी में गया उसके साथ क्या हुआ। यही महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम सब जब अपनी जिंदगी जीते हैं तो हम बहुत सी बार जो अध्यात्म का रास्ता है इसको भी ऊपर ऊपर से समझते हैं। हम जिंदगी को जीते हुए जो कि बाहर की चीजें हैं उनमें ही जकड़े रहते हैं, अपने धर्म की बुनियाद तक पहुंचने की बजाय जो रीति रिवाज बन गए हैं इंसान उनमें ही धसा रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कहीं पर जाकर इस किस्म से करा, क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं, तो हम अपने धर्म का बहुत पालन कर रहे हैं,
अगर दूसरे तरीके से कुछ अपने धर्म में जो जो चीजें इंसान करते हैं बाकी वो हम करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब तक हम रूह की उड़ान पर जाएंगे नहीं, जब तक उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएंगे नहीं, तब तक असलियत क्या है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। चीजें अच्छी तो मिलेंगी बहुत, जैसे खिड़की से जब रोशनी को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, जब और पतंगा नजदीक पहुंचा उसकी गर्माइश बहुत अच्छी लगी। जैसे हम सत्संग में आते हैं, हम सत्संग में आए, हमने सच्चाई सुनी, अच्छाई सुनी, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम घर में जाते बड़े खुश होते हैं, जो बातें वहां सुनते हैं वो औरों को भी सुनाते हैं, लेकिन उन पर क्या हम अमल करते हैं। बार 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 महापुरुष जब भी आते हैं वो हमें ये समझाते हैं कि प्रभु को पाना ही जिंदगी का एम है। और संत कृपाल सिंह जी महाराज तो यहां तक फरमा गए हैं कि एनी डेविएशन फ्रॉम गॉड इज अ सिन, कि कोई कार्य जो हमें प्रभु की तरफ नहीं लेके जाता वो खराब ही खराब है। कार्य वो करें, सोच विचार वो हो, बोल ऐसे हो, कार्य ऐसे हो जो हमें प्रभु की ओर लेके जाते हैं, बाकी सब चीजें बेकार हैं। बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम असलियत को जाने। जैसे वो पतंगा जो के जाकर शमा में, उस रोशनी में, उस मोमबत्ती में जाकर धस गया, उसी ने पाया के वननेस क्या है, एकता क्या है। जो बारी से देख के आ गया तो सिर्फ उसकी रोशनी देख के आ गया, बड़ा खुश हो गया, क्योंकि रोशनी अंधेरे को दूर करती है। जो थोड़ा नजदीक गया उसकी रोशनी भी देखी, उसकी थोड़ी गर्माहट भी पाई, वो भी बड़ा खुश हुआ। लेकिन पाया किसने, जो जाकर उसमें लीन हो गया। और ऐसी ही जिंदगी हम सबकी होनी चाहिए, यही बार 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 वापस हम समझाते हैं। और वो कब होगी, जब हम प्रभु के प्रेम से लबलब आएंगे, जब प्रभु के प्रेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, जब 2400 घंटे ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा और उनके प्रेम का हम अनुभव करेंगे। कबीर साहब ने भी बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते में कहा है। वो एक जगह फरमाते कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। कहते हैं, सब कहते हैं मैं भी प्यार करता हूं, मैं भी प्यार करता हूं, लेकिन असली में प्यार किसको है उसकी समझ नहीं है किसी को। कोई कोई होता है जिसको सही प्रेम की समझ है। कहते हैं आठ पहर भी ना रहे प्रेम का आवेश, कि हर पल हर क्षण जो प्रभु की याद में रहे, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे हो क्योंकि प्रभु से दूरी है, वही प्रेम को समझता है। एक जगह और वो प्रेम को अनुभव करने के लिए कैसी हमारी कंडीशन होनी चाहिए, कबीर साहब फरमा रहे कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कि जब मन जब निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, पाक हो जाता है, क्योंकि मन के जरिए इच्छाएं उठती हैं, मन के जरिए ध्यान अलग अलग चीजों में जाता है, मन के जरिए हम यहाँ पे भटकते हैं, वहां पे भटकते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहे कबीर कबीर। वो कह रहे ऐसा जीव जो कि एक सच्चा इंसान बन गया, उसके पीछे तो प्रभु खुद ब खुद लगे हुए हैं, पुकार रहे हैं उसको कि मेरी तरफ आओ, मेरे पास आओ, उनको लगाओ, उनको खिंचाओ। क्योंकि जब तक हम निर्मल नहीं होंगे, जब तक हम पाक नहीं होंगे, जब तक हम साफ नहीं होंगे, जब तक ये सारे जो लेयर्स हैं माइंड मैटर इल्यूजन की, वो हमारे ऊपर से हटेंगे नहीं, तब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंचते जिसमें कि हम प्रभु में जाकर लीन हो सके। तो उस अवस्था में जो पहुंचता है वो प्रभु की नजदीकी जरूर पाता है और प्रभु से एक में एक जरूर होता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज में फारसी में इंसान की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, जो एक सच्चा इंसान है वो समझाया। फरमाते हैं कि बजूज साकी मेरा यारे नबाशद, बजूज इश्कश मेरा कारे नबाशद। इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में ऐसे कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलावड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव, कि मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं अपने सदगुरु के सिवाय, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे और कोई काम नहीं। अगर उसके अंदर प्रेम नहीं होगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहते हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में
जहां भी संत कृपाल सिंह जी महाराज बैठते थे वहीं हजूर की नजर जाती थी। तो कईयों ने शिकायत की और संत कृपाल सिंह जी महाराज की जगह बदलवा दी। अब जहां दूसरी जगह वो बैठे हजूर की नजर वहीं जाती थी, तो वो नहीं था कि कहां वो बैठे हैं, वो था कि उनके अंदर कितनी पात्रता है, कितनी सच्चाई है, वो ही हमें अपने सदगुरु की नजदीकी देती है। हमारे अंदर कितना प्यार है, कितने हम निर्मल हुए, किस किस्म की जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम सच्चे इंसान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्या जो हम सुनते हैं उसको जस्प करते हैं कि नहीं करते, उसको जिंदगी में ढालते हैं कि नहीं डालते, इस पर निर्भर है कि हमारी अंदरूनी यात्रा किस किस्म की होगी। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया कि मित्र तेरा कोई नहीं संगीन में। वो कहते हैं दुनिया में तुम्हारा कोई भी मित्र नहीं, सारे चोर हैं, सारे ठग हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम ले रहे हैं। वो कहते हैं आपके रिश्तेदार जो निबर में रहते हैं, जो दोस्त मित्र अपना आपको कहलाते हैं, ये सारे सारे आपका समय बर्बाद रह रहे हैं। तो आपका सच्चा मित्र कौन है? आपका सदगुरु। क्यों? क्योंकि वो आपको पिता परमेश्वर की ओर लेके जा रहे हैं, बाकी सब आपको दुनिया की चीजों में जकड़ी जा रहे हैं। तो कह रहे सावधान रहो, जानो कि तुम चोरों की नगरी में जी रहे हो, और इसमें अपने आप को बचाना कैसे है? जैसे एक जगह में पॉकेट मार ही पॉकेट मार रहा हूं और आप वहां चले गए, तो आपको अपने आप को बचाना कैसे, ये आपको ध्यान से सोचना होगा, नहीं तो आपकी जेब तो कई बार ही काटी जाएगी। तो स्वामी जी महाराज फरमाते कि मित्र तेरा कोई नहीं संगीन में, कि इस माया की दुनिया में रिश्ते नाते हैं, दोस्ती मित्रता है, लेकिन मित्र कोई नहीं। मित्र अगर है तो आपका सदगुरु है, क्योंकि उनके जरिए ही हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। और बाकी सब जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती हम देखते हैं, जितना जितना जिसको फायदा होता है, जितना जितना उनको चाहिए, उतना उतना लगाव रखते हैं। और इसीलिए जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और देखता है कि सबसे रिश्ते नाते टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि समझ में आना शुरू होता है कि ये भी अपने कार्य के लिए हमें खींच रहा है, ये भी अपने कार्य के लिए खींच रहा है, वो भी अपने फायदे के लिए मांग रहा है, वो भी अपने फायदे के लिए मांग रहा है। और तब इंसान का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाना शुरू हो जाता है। बार 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 जब भी महापुरुष हमें असलियत के बारे में समझाते हैं कि हमें कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, तो वो हमें यही समझाते हैं कि हम प्रेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हम सदगुरु से प्रेम करें, पिता परमेश्वर से प्रेम करें, हम जिंदगी ऐसे जिएं जिसमें जो शब्द है उसमें हम जाकर पूरे तरीके से लीन हो जाएं। हम सब ये जानें कि इस शरीर में आना एक बहुत बड़ी बरकत है, इसको हम भूलें नहीं, गंवाएं नहीं, इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। हम जो रास्ता हमें दिखाया गया उस पर अमल करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि दिन का दसवां हिस्सा जो तकरीबन 2.5 घंटे करीब है, वो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, वो कम से कम हम अभ्यास के लिए दें। हम में से कितने लोग हैं जो रोजाना इतने समय निकालते हैं? और ये भी फरमा गए कि आत्मनिरीक्षण की डायरी रखें, ताकि रोजाना देखें कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही है, हम अपने आप को बेहतर करें, सद्गुणों को अपनी जिंदगी में ढालें। तो कितने लोग हैं जो डायरी को रखते हैं रोजाना? तो जब तक ये जब बेसिक चीजें हम अपनी जिंदगी में ढालेंगे नहीं, तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे।